दोस्तों, फजाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, ये मैथमेटिक्स का पेपर है TGT का, जो 8 मार्च 2019 को हुआ है। इससे पहले 39 तक आंसर दे चुका हूँ, इसके बाद शुरू करता हूँ। 42 में प्रश्न है, समीकरण दिए गए हैं 2x - ky + 7 = 0 तथा 6x - 12y + 15 = 0 का कोई हल नहीं है, जब के की वैल्यू क्या आएगी? तो के की वैल्यू हमारी 4 आई है हल करने पर, बी ऑप्शन इसका सही है। 44वें प्रश्न का, यदि log बेस x 4 प्लस log बेस x 16 प्लस log 64 बेस x 12, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू 2 आई है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। और 45 का, ए बी सी समांतर श्रेणी में है और एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, तो एक्स टू पावर बी माइनस वाई टू पावर सी माइनस एफ जेड पावर ए माइनस बी का मान क्या होगा? तो ये मान सॉल्व करने पर निकल कर आया 1, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। 46वें प्रश्न में ये दिया है, 1/log x = 2, 1/log x = 3, 1/log x = 4, तो log x 50 तक है, इसका योग क्या आएगा? इसको हमने सॉल्व किया है तो ये आया है 1/log x = 50, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। 50वां क्वेश्चन देखें, -1 - √-3 का ध्रुवीय रूप क्या होगा? तो इसको सॉल्व किया है तो इसकी वैल्यू 2 cos 2π/3 - i sin 2π/3 ये वैल्यू आई, तो ए ऑप्शन इसका सही है। तो इसमें तो बताऊँ, जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उसका हल करके आंसर बाद में बताऊँगा। तो आगे देखें, 51वां प्रश्न है, इसको सॉल्व किया गया है तो इसका वैल्यू आई है a - b/(1+ab), बी ऑप्शन इसका सही है। 52 क्वेश्चन नंबर, यदि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं a, ar और ar² ये देख रहे हैं, ये समकोणोत्तर श्रेणी में है, तो r² की वैल्यू क्या आएगी? तो ये वैल्यू आई है √5+1/2, तो बी ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों, मैं इसके सॉल्यूशन का भी वीडियो बनाऊंगा, सॉल्यूशन का वीडियो आप तक पहुंच जाए, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 53 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। 54वां प्रश्न देखें, एक संभाव त्रिभुज के आधार का समीकरण दिया गया है x + y = 1, उसका शीर्ष 1 - 1 है, उसकी भुजा की लंबाई निकल के आई है √2/3, तो सी ऑप्शन इसका सही है। 56 में एक समीकरण दिया गया, ये एक सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है, तो के की वैल्यू हमारी 2 आई है, इसको सॉल्व किया गया तो बी ऑप्शन इसका सही है। 59 का बी ऑप्शन सही है, 1 - 1/2n·n+1, तो इसको हमने सॉल्व किया है तो बी ऑप्शन इसका सही है। 63 के दो बल दिए गए हैं, F1 F2 कण पर कार्य कर रहे हैं, तो कुल किया गया कार्य कितना होगा? तो ये 6 यूनिट आया है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। 68 क्वेश्चन का, f·x = gx है और gx·fx² है, तो f·x² किसके बराबर होगा? तो ये हमारा आंसर आया है f·x⁴, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, 69, ए और बी मिलकर एक्स दिन पूरा करते हैं, ए अकेला x+2 दिनों में और बी अकेला x+8 दिनों में, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो ये 4 दिन निकल के एक्स की वैल्यू जो है ये 4 आई है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, इसमें ए और बी की औसत चाल एक्स हो जाता है और वाई किलोमीटर बराबर से बी से ए पर लौट आता है, तो औसत चाल क्या होगी? 2x / x + y, ये बी ऑप्शन इसका सही है। 71 को भी सॉल्व कर लिया, 25,000 का 2 वर्ष का चौधरी ब्याज मिश्रण क्या होगा? यदि उत्तर वर्षों का ब्याज 4% और 5% की दर से आता है, तो पहले वर्ष का 4%, फिर उसका 5% निकाला है, तो ये आंसर आया हमारा 27,300, तो सी ऑप्शन इसका सही है। 72 क्वेश्चन है, यदि वितरण 10·12·13·16 x·20·25·30 की माध्यिका 18 है, तो x का मान क्या होगा? तो ये निकाला 16, 3 से छोड़े तो 16+x, ये बराबर 16+x/2 ये बराबर 18, तो ये 20 आया ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सही है। 73, यदि x+9/x√6 है, तो x²+9/x² का मान क्या होगा? तो ये मान हमारा 10 आया है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 74, समीकरण ये दिया गया है, इसमें x की वैल्यू क्या होगी? तो इसमें x की वैल्यू 7 और -9 आई है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। 75 में, इसके विस्तार में कौन सा पद x से स्वतंत्र होगा? तो इसमें
छठा पद x से स्वतंत्र होगा, तो सी ऑप्शन इसका सही है। 76 में ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया, तो ए बी के वैल्यू क्या होगी, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका हमारा आएगा 0 0 0 0, तो डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है, कोसेक इनवर्स 5/3 प्लस टेन इनवर्स 2/3 का मान क्या होगा, तो इसको हमने सॉल्व किया है, तो यह आया है 6/17, तो डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 82 है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में R1, R2, R3 वाय वृत्त की त्रिज्या हो, R अंत वृत्त की त्रिज्या हो एवं R1 इज इक्वल टू R प्लस R2 प्लस R3 हो, तो त्रिभुज एबीसी है, संभाव त्रिभुज, विषमभाव त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, सी ऑप्शन इसका सही है। 83 में प्रश्न दिया गया, साइन थीटा कॉस थीटा ये बराबर 1/2 है, और साइन टू ऑवर 6 और कॉस ओवर 6 थीटा का मान निकालना है, तो इसको हम सॉल्व कर लें, साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हम 45 अगर रख दें तो इसकी वैल्यू इसको संतुष्ट करेगी, साइन थीटा की जगह पाई बाई 4 यहाँ रख दें, तो इसको सॉल्व करें, तो इसका वैल्यू आया है 1/4, तो डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन 84 है, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 बराबर है, तो इसकी वैल्यू 64 आई है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन देखा है, गुरुत्व श्रेणी का प्रथम पद 7 है, अंतम पद 448 है, योग पर 889, गुरुत्व श्रेणी का सरल पद क्या होगा, आर की वैल्यू 2 आई है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है 91, साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मान क्या होगा, जबकि लिमिट हमारी 0 to π/2 है, 91 का आंसर π/4 है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन 92, अवकल समीकरण इसका हल होगा एक्स इक्वल टू वाई क्यू प्लस सी वाई, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। 93 अवकल समीकरण दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका हल निकल के आया है एक्स माइनस वाई माइनस 3x = 1, तो सी ऑप्शन इसका सही है। और अगला क्वेश्चन 94 देखें, तो इस एफ एक्स दिया है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो 94 क्वेश्चन की जो वैल्यू आई है इसकी, तो 3 आई है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। 95 क्वेश्चन इसको हल किया है, तो इसकी वैल्यू 2 आई है, तो सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों अभी मैं आंसर दे रहा हूँ, इसके बाद सॉल्यूशन आपके सामने पेश करूँगा। 96 जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू प्रायिकता आई है 1/3, तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। 97 में यदि समांतर श्रेणी एक समांतर श्रेणी की n पदों का योग दिया गया है और पी वो पद निकालना है, तो इसको भी हमने सॉल्व किया है, तो आया है 10p-8, तो बी ऑप्शन इसका सही है। और 98 का जो आंसर है इनके बीच का कोण वो 90 डिग्री है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 100 है, यदि 3 बल एक बिंदु पर कार्यरत होते हैं सावस्था में हैं, तो प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है, इस प्रमेय को कहते हैं हम लामी प्रमेय, तो सी ऑप्शन इसका सही है। 101 क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि चतुर्थ ब्याज से 4 वर्षों में अपने से दोगुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर से वह राशि अपने से 8 गुनी होने में कितना समय लेगी, तो इसके लिए हमें 12 वर्ष आया है, 4 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, 8 वर्ष में 4 गुनी होगी और 12 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, तो ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन संख्या 102, निम्न में से कौन सा सत्य है, तो ये डायरेक्ट सूत्र है, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 103, यदि 2 संख्याओं का ज्यामिति माध्य यानी गुणोत्तर माध्य 6 है और समांतर माध्य 6.5 हो, तो उन संख्या वर्गों का योग वर्गों का अंतर 65 आया है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। 104 सवाल, यह संख्याएं दी गई हैं 2 बिघा 250, 3 बिघा 150, 500 और 400 200, सबसे छोटी संख्या हमने निकाली है, तो यह आइए 5 to the power 100, तो बी ऑप्शन इसका सही है। इसमें अगले 105 प्रश्न में ए अनुपात बी दिया है, सी अनुपात बी अनुपात सी दिया है और डी अपन सी दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है, तो इसको सॉल्व किया गया है, ये निकल गया है 16:24:30:35, तो सी ऑप्शन इसका सही है। 106 में दिया गया है 9p5 है और 5 × 9p4 और 10p, आर की वैल्यू निकालना है, तो आर का मान हमारा 5 आया है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। 107 क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट दिया है, इसकी वैल्यू क्या है, इस वैल्यू निकाली है, तो ये निकल के आइए 4a² b² c², तो सी ऑप्शन इसका सही है।
108 में प्रश्न में श्रेणी दी गई है 1/5 2 1/4 4 1/4 6, इसका योगफल क्या होगा? तो ये निकल गया e माइनस 1 to the power 2/2 e, बी ऑप्शन इसका सही है। और 109 जो क्वेश्चन है उसमें f और g दिए गए हैं, तो गोफ निकालना है, तो इसकी वैल्यू आई हमारी 1 3 3 1 और 4 3, तो सी ऑप्शन इसका सही है। 110वां प्रश्न है, बैलून शब्द के अक्षरों कितने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है जबकि एल एक साथ न आए? 900 बार व्यक्त किया जा सकता है जबकि एल साथ में न आए, तो सी ऑप्शन इसका सही है। 112वें प्रश्न में दिया है sin 75 - sin 15 / cos 75 + cos 15, इसमें sin C - sin D और cos C + cos D का सूत्र लगाएंगे, तो इसको सॉल्व करें तो ये आया है 1/√3, सी ऑप्शन इसका सही है। 113 क्वेश्चन में sin cot inverse tan cos inverse x का मान, हमारा x निकल के आया है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। 114वें क्वेश्चन में a + ib = tan x - iy, तो tan 2x की वैल्यू निकालें, तो ये निकल के आई है 2a/(1 - a²-b²), तो सी ऑप्शन इसका सही है। 115वें क्वेश्चन में दिया है cos a + b = 3/5 और sin a - b = 5/13, tan 2b का मान आया 33/56, सी ऑप्शन इसका सही है। और 116 में एक वृत्त की जीवा ab है, ac(b) 50 है, तो bat किसके बराबर होगा? तो 50 डिग्री के ही बराबर होगा, तो ए ऑप्शन इसका सही है। 117 में समीकरण दिए गए हैं, तो ये किसके व्यक्त करेंगे? तो ये एक दीर्घ वृत्त को व्यक्त करता है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। इस सब ये समीकरण गोले का है, तो इसकी त्रिज्या निकालना है, तो इसकी त्रिज्या निकल के आई है 5/√2, तो बी ऑप्शन इसका सही है। 119वें प्रश्न में सरलरेखा दी गई है, तो ये दीर्घ वृत्त x² स्पर्श रेखा में इसकी कंडीशन क्या होगी? ये p² a² cos² α + b² sin² सी ऑप्शन इसका सही है। और 120 क्वेश्चन में रेखाएं दी गई हैं, तो लंबवत हैं आपस में, तो उनका कंडीशन जो होगी कब होगी? a a' + c c' + 1/0, तब ये लंबवत होंगे, तो ए ऑप्शन इसका सही है। 121 में 2x - 5/5 दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये 0 आई है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। वक्र दिया है y = 4 - y² / x² के बीच का प्रतिशत कोण निकालना है, 4√2.7, तो ए ऑप्शन इसका सही है। और 123 दो वक्र दिए हैं, इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल 1/3 है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। 124 - 2/x³, इसकी वैल्यू है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 125, ये वैल्यू हमें निकली है वो 2 निकली है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद जो क्वेश्चन छूट चुके हैं उसका सॉल्व करके आप उसका आंसर किए दूंगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन पेश कर दूंगा, तब तक के लिए इजाज़त।